हेलो एवरीवन। सो गाइस, जैसा तुमको पता है कि रेलवे के शेयर्स में बहुत बड़ी तेजी हो चुकी है। और आपको पता है सैटरडे को जब मार्केट खुला था तो रेलवे के लगभग सारे शेयरों में क्या है, बहुत बड़ी तेजी थी। कुछ शेयर तो क्या है 30-30% तक बढ़े। तो देखो, मेन चीज क्या है कि रेलवे के जो शेयर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर अब पॉइंट ये आता है कि ये शेयर कितने महंगे हो चुके हैं, क्या इनमें से कोई एक ऐसा शेयर है जिसको लिया जा सकता है। सो गाइस, अगर आप रेलवे का कोई शेयर लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद आप अपने फाइनल डिसीजन पे पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई ये जो तेजी आ रही है, क्या वास्तव में ऐसी ग्रोथ हो रही है कंपनीज में। तो देखो, इसका मैं आपको आंसर इतना कहूंगा कि जब किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो कहीं ना कहीं वो शेयर क्या है ऊपर की तरफ भागने लगता है। और जैसा आपको पता है कि बजट आने वाला है और इलेक्शन में मोदी जी के जीतने के चांसेस हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब न्यूज़ों को देखते हुए भी जो बाइंग प्रेशर है वो बढ़ रहा है। मतलब लोग बाइंग करना चाह रहे हैं और लोगों को दिख रहा है कि भाई एक एक दिन में 10% 20% 30% तक शेयर भाग रहे हैं। तो भाई इस चीज को देख के लोग क्या है इसको खरीदने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज ये समझना है, कोई भी शेयर जब आप उसको ले रहे हैं तो सबसे जरूरी होता है उसका शेयर प्राइस, वो शेयर कितना एक्सपेंसिव है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप शेयर को एक सही वैल्यूएशन पे लेंगे तब तो वो आपको पैसा बढ़ा के देगा, और अगर एक गलत वैल्यूएशन पे लेंगे तो पैसा आपका क्या है डूब जाएगा। ये बिल्कुल रियलिटी है, वैल्यूएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई एक शेयर जो भाग चुका है और उसको अगर आप क्या है उस वैल्यूएशन पे ले लें तो फिर कहीं ना कहीं आपके लॉस के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो शेयर क्या है अगर उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है तो फिर वो ऊपर नहीं जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। तो ये चीज आपको ये समझना है कि भाई कोई भी शेयर जो एकदम से रफ्तार पकड़ रहा है और उसके अंदर फंडामेंटल अगर एनालिसिस नहीं है, उसके अंदर ऐसी ग्रोथ नहीं है, तो भाई उसके डूबने के चांसेस क्या ज्यादा है। अब देखो, ये तो आपको पता है कि रेलवे सेक्टर ग्रो करने वाला है, ये रियल चीज है। लेकिन अब इस ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये ग्रोथ कितने सालों में होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये आपका 2030 तक होगा, 2040 तक होगा, 2050 तक होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्शन है वो क्या है हर 5 साल में होता है। अब देखो, 5 साल में इलेक्शन जब आपको पता है कि होता है, अब आपको पता है कि भाई 2024 का चुनाव है, 2024 का चुनाव है। अब इस चुनाव को अगर हम देखें तो भाई 5 साल हम काउंट करें तो 2029 तक की बात आएगी। और देखो, अगर 2029 में अगर गवर्नमेंट वगैरह चेंज हो गई और आपने अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि तो पॉलिसी मेकर वगैरह चेंज होते हैं और जो बजट का एलोकेशन है वो भी चेंज होता है, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, देखो शॉर्ट टर्म में तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई शेयर बहुत ज्यादा भाग चुका है। अब भागे हुए शेयर को लेना मुझे लगता है कि भाई बेवकूफी होगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पैसा डालेंगे तो यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो हाई रिवॉर्ड मिलेगा या फिर बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा। तो देखो, बस यही चीज हो रही है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। मतलब आपने अगर एक्स अमाउंट डाला हुआ है, जो भी आपने एक्स अमाउंट डाला हुआ है, या तो वो बढ़ जाएगा या फिर वो क्या है उतना ही नीचे गिर जाएगा। क्योंकि देखो, जब कोई शेयर भाग जाता है उसके बाद आप लेते हैं तो उसके दो ही चांस होते हैं, या तो वो और ऊपर जाएगा या तो वो नीचे आने वाला है। तो अब यहां पर जो रिस्क का गेम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखो, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जिसको अपने पैसे पर रिस्क बहुत कम लेना है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए अब रेलवे के शेयर क्या है नहीं है। लेकिन जिनको रिस्क लेना है, जिनको ये कि भाई मेरा अगर 50% पैसा डूब जाए मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं उससे एग्जिट कर जाऊंगा शेयर से, तो फिर आप क्या है रेलवे का शेयर क्या ले सको, कोई भी शेयर ले सको जो तुम्हारा हो। जैसे आपको पता है कई सारे शेयर है, IRCTC है, IRFC है, IRETA है, तो इनमें से आप कोई भी शेयर ले सकते हो जो आपका मन हो, इरकॉन का है वो भी आप ले सकते हो। अब देखो, ये सारे शेयर की कहानी है कि भाई ये शेयर एक्सपेंसिव हो चुके हैं,
लेकिन देखो अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं तो भाई मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है तो उस इसमें से जो सबसे अच्छा शेयर होगा वो होगा इरकॉन का, क्योंकि इरकॉन में अभी पोटेंशियल है कि वो और ऊपर जा सकता है। अगर मैं टारगेट की बात करूं तो भाई इरकॉन के अंदर पोटेंशियल है भाई 400, 500, 600 और 700 तक जाने का। लेकिन अगर हमको क्या है बहुत ज्यादा रिस्क पे नहीं खेलना है तो भाई हम 400 के टारगेट तक इसको क्या करेंगे रखेंगे अपने पास, उसके बाद क्या इसको सेल कर सकते हैं। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करने की सोच रहा है अभी इरकॉन कम लेवल पे है और कुछ लेने की सोच रहा है तो भाई 400 के टारगेट से फिर क्या है मैं कहूँगा भाई एग्जिट कर लेना चाहिए अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। और अगर आप और भी रिस्क ले सकते हो कि भैया चलो कुछ डूब जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो भैया 500 के टारगेट तक, 600 के टारगेट और 700 के टारगेट तक क्या बने रह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं हो सिचुएशन में। तो कहने का मतलब वही है कि हर व्यक्ति की जो कैपेसिटी है रिस्क लेने की वो अलग अलग है और उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है। और देखो कोई भी शेयर ले रहे हो रेलवे में थोड़ा रिस्क के साथ आपको क्या लेना पड़ेगा। और इरकॉन की बात मैंने बोला भाई इरकॉन सिर्फ एक ऐसा शेयर है जिसमें मैं कहूंगा कि भाई उतना ज्यादा रिस्क अभी नहीं है जितना रिस्क क्या है और शेयर में, बिकॉज और शेयर क्या बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, रियल कहानी IRFC की। देखो जब IRFC का IPO आया था तो IPO आने के बाद ये क्या नेगेटिव लिस्ट हो गया था, और जब नेगेटिव लिस्ट हो गया था तो क्या हुआ लोगों ने अपने शेयर को बेचा। लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि भाई IRFC के शेयर को लोग खरीदना ही नहीं चाह रहे थे, आपने शेयर ऑर्डर लगा रखा है लेकिन कोई बाय करना ही नहीं चाह रहा है। तो ये ऐसा शेयर था समझ लो IRFC जिसको लोग बाय करना नहीं चाह रहे थे, ये सिर्फ शेयर क्या है 22 रुपए के नियर अबाउट आ चुका था लेकिन फिर भी इसको कोई क्या बाय करना नहीं चाह रहा था। आज ये शेयर बहुत महंगा है 150 के नियर अबाउट है लेकिन आज लोग बाय करना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज ये भी भाई एक शेयर जिसकी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है और उस समय जब कोई बाय करना नहीं चाह रहा था जब IPO आया था उसके बाद जब ये कुछ दिनों बाद क्या है ये क्या नेगेटिव में जाता रहा तो इसको कोई बाय करना नहीं चाह रहा था, शेयर ऑर्डर लगा हुआ है ये कोई बाय नहीं कर रहा है। भाई मेरे पास उस समय क्या IRFC के शेयर थे और मेरे पास जो शेयर थे वो IPO में मिले हुए थे लेकिन मैंने उसको क्या है जब सेल करना चाहते थे 21 रुपये या 22 रुपये के प्राइस पे आ गया था जब मैं उसको सेल करना चाहता तो वो सेल नहीं हो पाया था उस समय। फिर क्या हुआ मैंने 4-5 दिन का फिर से वेट किया इसको, फिर मैंने क्या उस समय सेल कर दिया। लेकिन ओवरऑल अभी तो मैं लॉस में हूँ क्योंकि कह सकता हूँ भाई IRFC का शेयर उस समय मैंने लॉस में बेचा था लेकिन आज पोटेंशियल है। लेकिन बात ये आती है कि भाई अब ये पोटेंशियल क्या वास्तव में इन फ्यूचर तक रहेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जब इतना वैल्यूएशन अभी काफी ज्यादा जो वैल्यूएशन है वो क्या है एक्सपेंसिव हो चुका है, जब उस एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में लेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस के चांसेस बनेंगे। तो मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि कोई भी शेयर ले रहे हो तो अपना रिस्क जरूर देख लेना, अगर रिस्क नहीं देखा तो पैसा डुबा बैठोगे और फिर कहोगे कि भाई जो है काश मैं शेयर को ना लेता। देखो मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो सब खुश हो रहे होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट यही है कि भाई जब मार्केट नीचे आ रहा होता है तब आपको पेशेंस बना के जो अच्छे शेयर है उनको बाय करना है। अगर आप सारा का सारा पैसा अभी झोंक दोगे मार्केट ऊपर जाते समय और जब मार्केट नीचे आएगा तो तब क्या खरीदोगे। तो इसीलिए एक चीज कही गई है शेयर का सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट होता है वो होता है उसका प्राइस, वो किस वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। जब आप मार्केट जाते हो तो मार्केट में आप देखना, सपोज करो आपको आलू खरीदना है चलो आलू का एग्जाम्पल रखा था, आपको दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन मैंने देखा होगा अपनी आंखों के सामने। जैसे मैं क्या कानपुर सिटी में रहता हूँ तो जब मैंने कानपुर सिटी में रहता हूँ तो मैंने देखो अलग अलग मेरा क्या जाना रहता है। तो देखो ये मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ, जब आप मोती झील जाओगे जो कानपुर में काफी अच्छी जगह घूमने की, जब मोती झील जाओगे तो आपको दस रुपए के क्या है सिर्फ और सिर्फ तीन पानी के बतासे मिलेंगे। लेकिन आप क्या है गोविंद नगर में रहोगे तो आपको क्या 10 के 4 बतासे मिलेंगे। लेकिन आप क्या है गल्ला मंडी की तरफ जाओगे तो आपको 10 के क्या है 6 बतासे मिल जाएंगे। तो देखो क्या हो रहा है एरिया बदलने पर प्राइस क्या है बदल रहा है,
क्या आइटम वही है, सब कुछ वही है, बतासे वही है, पानी भी वही है, लेकिन क्या हो रहा है उसका प्राइस चेंज हो रहा है जगह चेंज होने पे। तो ऐसे शेयर मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो क्या है, समय के अनुसार चेंज होते रहते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि भाई आपको अगर एक अच्छे प्राइस पे अगर आप ले लेते हो तो आपको प्रॉफिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको क्या है शादी में पानी के बतासे का स्टॉल लगवाना है तो आप किससे लगवाओगे, सस्ते वाले से कि महंगे वाले से? आप खुद सोच के देखो, अगर तीनों सेम क्वालिटी दे रहे तो आप सस्ते वाले पर्सन से लगवाओगे महंगे वाले से लगवाओगे? ऑब्वियसली बात है कि हम सस्ते वाले से लगवाएंगे क्योंकि शादी में देखो खर्चे होते हैं। उसे में इसी तरीके से शेयर मार्केट में आपको कोई शेयर लेना है, कोई शेयर अच्छा है तो आप ज्यादा वैल्यूएशन पे लोगे कम वैल्यूएशन पे लोगे? तो ऑब्वियसली बात है कि भाई कम वैल्यूएशन पे लेना चाहिए। तो अगर कम वैल्यूएशन पे लेंगे तो वो फ्यूचर में आपको अगर पता है अच्छा शेयर तो भाई वो तो देगा ही देगा, तो उसके लिए ज्यादा प्राइस देने की क्या जरूरत है? आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। और कोई भी अगर शेयर लेना चाहता है रेलवे सेक्टर में तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई एयरकॉन का जो शेयर है वो 400 टारगेट तक और 500 टारगेट तक अच्छा रह सकता है। और अपने रिस्क को थोड़ा और स्टॉप लॉस को लेके क्या जरूर चलें। और रेलवे का कोई अदर शेयर ले रहे हैं तो जरूर जरूर स्टॉप लॉस लगाना है। और एयरकॉन भी ले रहे हैं तो भाई स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलना है कि भाई इतने से नीचे आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, जिससे कि हमारा ज़्यादा पैसे का लॉस ना हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने चाहिए कुछ सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।